नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, जिसको आधा शीशी के नाम से भी जानते हैं। और काफ़ी लोग हैं जिनको माइग्रेन की तकलीफ है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 10-10 15-15 साल से माइग्रेन की तकलीफ होती है और मेडिसिन खाने से भी जो है वो सिर दर्द उनका ठीक नहीं होता है। कई बार मेरे क्लिनिकली जो पेशेंट आते हैं माइग्रेन के, वो ये कहते हैं कि हमको जब वॉमिट होती है उसके बाद ही हमारा जो हेडेक है वो कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हेडेक होता है और वॉमिटिंग से रिलीव होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिन भी लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, आधा शीशी की शिकायत है, उनको अपना खान पान का खास तरह से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे वायु होती है वो अवॉइड करनी चाहिए, और स्पेशली इवनिंग के टाइम पे लाइट फूड लेना चाहिए। सो कोई भी चीज़ के ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिन भी लोगों को माइग्रेन है, सबसे पहले अपने जो फूड हैबिट्स है उसमें अल्कलाइन डाइट जो है उसको आप इंक्लूड करें। अल्कलाइन डाइट का लिस्ट आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पूरा अल्कलाइन जो फूड है उसका लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन जनरली फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ये सब अल्कलाइन डाइट में आता है। तो जितना फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह आप लेंगे उतना ही आप माइग्रेन से दूर रहेंगे। कई मेरे पास क्लिनिकली कई सारे पेशेंट आते हैं जो अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि धूप में जाते ही मुझे माइग्रेन हो जाता है, अगर मैं मार्केट आधा घंटे के लिए भी चली गई तो मुझे सिर दर्द हो जाता है। कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं जिनको माइग्रेन होता है कि मुझे हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आधा शीशी का जो है वो सर दर्द होता है, और जब तक मेरे वॉमिट ना हो तब तक वो रिलीफ नहीं होता। चाहे मैं कोई भी मेडिसिन ले लूँ लेकिन जब तक उल्टी नहीं होगी तब तक मुझे राहत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको माइग्रेन हो जाता है तो सुजोक थेरेपी में कैसे आपको हेल्प मिल सकती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको भी माइग्रेन है, तो अल्कलाइन डाइट का पूरा लिस्ट आप गूगल पे से निकाल लें और ट्राई करें कि उसी टाइप का डाइट आप फॉलो करें। और सुजोक थेरेपी में हमारे जो हेड के पॉइंट है वो थम में आ गए, लेफ्ट और राइट दोनों जो थम है, दोनों में से किसी भी थम, ये दोनों थम में आप हेड के पॉइंट यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लीवर जो है ना वो ठंडा होना चाहिए। अगर लीवर बहुत गर्म है तो आपको हाइपर एसिडिटी होगी और लीवर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होगा, तो डेफिनेटली जो है वो आपको माइग्रेन होगा। तो मैं यहाँ पर कलर थेरेपी बता रही हूँ, सुजोक कलर थेरेपी आपको बता रही हूँ, जिससे आप हेल्प कर सकते हो। एक तो आपके लिवर और गॉल ब्लैडर का ऑप्टिमम वर्क करने के लिए लेफ्ट हैंड में मैं आपको जो ग्रीन कलर के डॉट्स अभी दिखा रही हूँ, ये ग्रीन कलर के डॉट्स लिटिल फिंगर कि ये दो जगह पे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के डॉट्स लगाए हैं, ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर को अच्छे से उनका फंक्शन वो कर सके, हार्मोनाइजली वर्क कर सके, इसलिए दो डॉट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जिस टाइम पे माइग्रेन का आपको अटैक आ रखा है तो उस टाइम पे भी आपको अगर लीवर को आप ठंडा करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड है हमारा, तो लेफ्ट हैंड में ये जो एरिया मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा लीवर का पॉइंट है, लीवर और गॉल ब्लैडर है। तो इस पूरे एरिया को आप ब्लू कलर की इंक पेन, बॉल पेन या स्केच पेन से आप इस तरह से मेन जो है वो पेंट कर दीजिए। तो एक तो ये आपको लिटिल फिंगर में दो बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं वो ग्रीन लगाना है, इस एरिया को आपने ब्लू कलर से पेंट करना है। अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो इसी एरिया पे आपको आइस एप्लीकेशन करना है। मैं कई बार अपने वीडियोस में बताती हूँ, तो पॉइंट्स पे आइस एप्लीकेशन के रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये लीवर गॉल ब्लैडर का जो एरिया है तो आप ये लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हो, राइट हैंड में भी कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड में अगर करोगे तो जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की साइड लिवर का पॉइंट है, और अगर आप राइट हैंड में देखोगे तो अंगूठे के नीचे, मैं एरिया मार्क करके दिखा देती हूँ आपको। सो ये पूरा एरिया तो राइट हैंड में कर रहे हो आप, तो इस पूरे एरिया को आपको ब्लू पेंट करना है, या तो फिर आपने इसको आइस एप्लीकेशन करना है। आप बर्फ, और आप दोनों भी कर सकते हो कि पहले आइस एप्लीकेशन कर लो, सेक कर लो,
दोनों जहाँ पे भी मैंने ब्लू किया है वो दोनों जगह पे आप पहले आइस एप्लीकेशन कर लो, 10 से 15 मिनट इस एरिया में आप बर्फ का सिकाई कर लो और उसके बाद आप ये ब्लू कलर करो, तो इमीडिएटली आपका जो माइग्रेन का हेडेक है उसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे हेड के पॉइंट हैं, तो वो हमारा ये थंब है, इसके ऊपर ये हेड के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप ग्रीन कर सकते हो जब आपको माइग्रेन का हेडेक है, और पीछे भी आप यहाँ पर ग्रीन कलर कर सकते हो, और ये भी आप दोनों हाथ में कर सकते हो कि आप ये पूरा एरिया 1/3 एरिया, मैं तो कहूँगी कि 1/3 एरिया पूरा पेंट करो ग्रीन अगर आपको माइग्रेन का हेडेक है, तो इस तरह से लेफ्ट थंब राइट थंब दोनों में कर सकते हो आप इस तरह से। और ये नेल के नीचे यहाँ पर जो ग्रीन कलर किया है, तो एक तो ये ग्रीन कलर मैंने कहाँ कहाँ बताया, एक बार रिपीट कर रही हूँ, लिटिल फिंगर में आपको ये दोनों जो स्पेसेस हैं इसमें आपको ग्रीन कलर करना है, ये जो हमारा ब्रेन का पॉइंट है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है, पीछे भी थंब में यहाँ पर ये ब्रेन का पॉइंट है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है, लीवर गॉल ब्लैडर के जो पॉइंट्स है उसमें आपने ब्लू कलर करना है, और आइस एप्लीकेशन करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा, और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो आधा सीसी से पीड़ित हैं या जिनको माइग्रेन की तकलीफ है। थैंक यू सो मच।